सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है संडे, आप देख सकते हो हवा काफ़ी तेज़ है। सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6:30 और मैं अपने बाइक को कोल स्टार्ट करते हुए यस राइड पे निकल रहा हूँ। संडे है, आप लोग समझ पा रहे हो। सो मिलते हैं आपको सैडल पे। सो वेदर यार काफ़ी अच्छा है आज, धूप बिल्कुल भी नहीं है, बट आई डोंट नो आगे क्या मिलता है, कैसा रहता है। मैं आज कुछ बहुत लंबा राइड पर नहीं जाने वाला, मैं आई एम जस्ट गोइंग फॉर नॉर्मल सिटी राइड। संडे है सो ट्रैफिक नहीं मिलेगी और मैं ईजीली इंजॉय कर पाऊँगा अपने राइड को। सो यस, आप लोग भी वर्चुअली मेरे साथ इंजॉय करो। आई होप यू गाइज आर गेटिंग द पैरेलल ट्विन साउंड ऑफ दिस बाइक। सुबह सुबह ये एक फायदा है, आपको कॉर्नर्स खाली मिलते हैं। एंड व्हेन देयर इज अ कॉर्नर यू नो व्हाट टू डू, राइट। यार इस बाइक से जो स्टॉक टायर्स आए थे इसके साथ, वो पहले तो नॉन रेडियल थे भाई साहब। लुकिंग ग्लास ये लोग देखते नहीं है अपने बाइक्स में या फिर स्कूटीज़ में। सो वो तो एक नॉन रेडियल टायर्स थे जिसके वजह से हैंडल वॉबलिंग 60 के ऊपर जाते ही आपका हैंडल पूरा ऐसे 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 शेक करता था। सो वो एक इशू थी। एंड उसमें सबसे बड़ी खामी ये थी कि उसका ग्रिपिंग कुछ भी नहीं था। उस टायर को लोग क्यों ही देते हैं ऐसी बाइक के साथ, मुझे समझ में नहीं आता यार। 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले लो, अच्छे टायर्स दे दो, अच्छे ब्रेक्स दे दो। इन सर को कहाँ जाना है पता नहीं इन्हें, बट खैर कोई नहीं, इनकी भी गलती नहीं है। बीच में अगर रोड पे ऐसे पार्क रहेंगे व्हीकल्स तो और क्या ही करेगा लोग। सो एनीवेज, तो उसमें ग्रिप यार बिल्कुल भी नहीं थी। अब जो कॉन्फिडेंस आती है ना इस बाइक को चलाने में, आपके पास भी अगर निंजा 300 है तो यार टायर्स चेंज करवा लो और कुछ करो ना करो। लोग क्या करते हैं, टायर्स चेंज नहीं करवाते, एग्जॉस्ट चेंज करवा लेते हैं, पता नहीं क्या फ़ायदा होता है उससे। फ़ायदा ऐसे कुछ भी नहीं होता है, उनको साउंड चाहिए होती है, फटी हुई आवाज़ चाहिए होती है, जो कि लोग सुन के गालियाँ ही देते हैं, इतना अनप्लीजेंट साउंड है वो। सो ऐसा कुछ है यार, अगर ट्विन सिलेंडर बाइक है तो उसमें एग्जॉस्ट चेंज करवा के आपको कुछ होने नहीं वाला ज़्यादा फ़र्क। आप थोड़े पैसे और जोड़ो, कुछ महीने और रुक जाओ और एक इनलाइन 4 खरीद लो, बड़ी बाइक खरीद लो अगर आपको इन छोटे बाइक्स का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी तो। सुबह सुबह निकलने का यही फायदा होता है ना, रहेगा स्पीड गन पकड़ा हुआ कोई पुलिस, ना रहेंगी ट्रैफिक। बट हाँ, वो जो कैमरास रहते हैं ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड वो तो रहेंगे भाई साहब, वो आप देख लो उससे बच के।
ये वेदर चेंज के वजह से ना यार, कभी एसी कभी गर्म, ऑफिस में एसी, घर में कभी कभी एसी, बाहर में तपती हुई धूप, अच्छा माहौल बना रखा है। सूर्यदेव निकलने की पूरी कोशिश में। वाह अंकल, बिना देखे एकदम लेन चेंज कर दिए। कैसा फॉगी सा और स्मॉगी सा एक वेदर हो रखा है यार, आई डोंट नो। कोलकाता में आप लोगों को कभी भी ब्लू स्काई? हाँ एमनी सिटी ट्रैफिक इटू घुड़े बेड़ा वो बाहर जाच्छी ना कोथाओ ना। सो ये अंकल थे, पूछ रहे हैं कहाँ जाना है। मैंने बंगाली में जवाब दिया, नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में ही घूमेंगे यार। बाहर एक्चुअली क्या है कि कोलकाता से आसपास जो भी है वो 300-400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, थोड़ा मोड़ा घूमने का जगह जो भी है। सो बट यार उसके लिए छुट्टी भी चाहिए और थोड़ा पहले से प्लानिंग भी चाहिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, और जेब में पैसे भी। सो बट अभी तो प्लानिंग था नहीं पहले से, सो नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में ही घूम लेते हैं, थोड़ा दिल को तसल्ली भी मिल जाएगा। बट हाँ प्लान तो मैंने किया है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। कहाँ जाएंगे हम लोग, कुछ ट्रिप्स हमने प्लान किया है बाइक राइड पे। सो यार एक चीज़ तो है, मैंने देखा है निंजा लेके निकलो, ग्रीन कलर बहुत लोगों को पसंद है, ड्रीम बाइक मेरी खुद की हुआ करती थी। सो लोग पूछ लेते हैं, कुछ ना कुछ तो पूछ लेते हैं, बाइक कितने की है, कितनी तेज़ भागती है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या माइलेज है। सो पीपल आर बेसिकली क्यूरियस अबाउट दिस बाइक। हाँ आप जब भी लेके निकलो आपको अटेंशन मिलती है। सो जब इतना कुछ है तो यार सुपर बाइक्स लेके इतना तेज़ भगाने की क्या ज़रूरत है सिटी के अंदर में। ये देखो भाई साहब सिग्नल तोड़ के आराम से जाते हुए, कोई फर्क नहीं है इन्हें। भाई साहब इसको रोका नहीं, वाह किस्मत हो तो ऐसी। कितने पैसे दे रखे हैं, कोई ना। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। मैं बाइक की बात कर रहा हूँ। बाइक राइडर्स कैन रिलेट यार, जब भी बाइक लेके निकलो आप सब कुछ भूल जाते हो, सिर्फ आप और आपकी बाइक और ये हवा और कुछ ऐसे सिग्नल्स। भूलना ही पड़ता है भाई, ऑरेंज है हम यहाँ रुक जाते हैं रेदर देन ब्रेकिंग द सिग्नल। वाह कूल। और ये रहा यहाँ का फेमस रेजिडेंशियल बिल्डिंग,
जिसका नाम है एटमोसफेयर। आपने इसका डॉक्यूमेंट्री देखा होगा शायद नेट जियो पे, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो यार, काफ़ी फेमस है यहाँ का ये बिल्डिंग और काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी है, वो नेट जियो पे है। ये दोनों टावर्स के बीच में फ्लोटिंग स्विमिंग पूल है, मुझे पता नहीं कैमरा कितना दिखा पा रहा है बट यस ऐसा कुछ है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी है और मैंने जहाँ तक सुना था कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने शायद शाहरुख खान सर को ऑफ़र किया था यहाँ पे प्रॉपर्टी। अब पता नहीं उन्होंने लिया है या नहीं लिया है बट मैंने कभी देखा तो नहीं है उनको यहाँ पे आते हुए रहते हुए। सो या किसी को कुछ मालूम हो इस बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये रहा लेफ्ट साइड में मेरे साइंस सिटी, ये रहा माँ फ्लाईओवर। कोलकाता के अगर बाहर कहीं कभी गए तो हमें ये लेफ्ट वाली फ्लाईओवर लेनी होगी, तब मैं आपको दिखाऊंगा। बट क्या है फ़ायदा यार, हर जगह स्पीड कैम्स लगे हुए हैं इस फ्लाईओवर पे और एंड दोज आर एक्चुअली वॉकिंग, सो आप थोड़ा सोच समझ के ही जाना। थोड़ा सा भी अगर 60 के ऊपर गए तो चलान आने ही आने हैं और कुछ मज़े भी नहीं है। यार ये बादल के वजह से ना वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड भी हो जा रहा है यार, या तो बारिश हो जाए या तो आसमान साफ रहे धूप रहे वो भी चलता है। और ये रहा ITC 5-star होटल। सो हाँ, ये बादलों के पीछे लुका छुपी करने का कोई मतलब नहीं है, ह्यूमिड के साथ साथ टेम्परेचर इतना ज़्यादा आज तो दिखा रहा है ऑलमोस्ट 38 डिग्रीज होंगे हाईएस्ट एंड इट वुड फील लाइक ऑलमोस्ट मे बी 40-42। सो भाई साहब मैं सुबह सुबह निकल चुका हूँ बाइक राइडिंग के लिए, हाँ उसके बाद घर में पूरे दिन रिलैक्स, वीडियो एडिट एंड अपलोड। मज़े ही मज़े, मज़े ही मज़े बिकॉज आज है संडे। लेफ्ट हैंड साइड में BMW की शोरूम। लाइक वाइक करो यार, कमेंट वमेंट करो ताकि मैं भी कभी आऊँ इस BMW के शोरूम में, हैं देखते हो निकल लेते हो वीडियो। मेरे आगे ये दो क्रूजर्स जा रहे हैं, पता नहीं यहाँ ये हार्ले हैं। कितने इज्जत से जा रहे हैं, बड़ी क्यूट है यार ये, सामने वाली भी है पीछे वाली तो और भी क्यूट है, कलर भी बड़ा मस्त सा है। नाइस, साउंड सुनो भाई साहब, V-twin इंजन, पता नहीं आपको कितना आ रहा होगा बट हाँ। आई कैनॉट मिस अ कॉर्नर। संडे को आप अगर निकलो तो यार काफ़ी अच्छी अच्छी बाइक्स दिखती हैं और लोग एंजॉय करते रहते हैं, फुल वीकेंड वाइब ऑन रहती है रास्तों पे। अर्ली मॉर्निंग निकलो तो उसके बाद धूप हो जाने के बाद यार कौन ही निकलेगा बाइक राइड, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो, क्योंकि सिटी के अंदर तो यार चारों तरफ वही है ना, फिर आपको ये बैरिकेडिंग रेड लाइट यार, फुल किक है फुल किक पीछे में।
वाह। एम्प्टी रोड्स, फुल थ्रॉटल एंड देन दिस पहाड़। यार इतना इतना टैक्स भरते हैं, पता नहीं पैसे जाते कहाँ हैं। रोड की कोई परवाह नहीं है किसी को। ये देखो स्पोर्ट्स बाइक होने के बावजूद भी इस बाइक का सस्पेंशन ना काफी वेल ट्यून्ड है। वेल ट्यून्ड एज इन कि ना ज़्यादा रिजिड है, रिजिड ज़्यादा स्टिफनेस नहीं है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। सॉफ्ट होने से तो यार हैंडलिंग वैंडलिंग की 12 बज गई होती, फिर तो लेके कोई फ़ायदा नहीं था। क्योंकि इसके पहले मैं जब RC 390 चलाता था तो उस बाइक की यार हैंडलिंग कमाल की थी, कमाल की थी एज इन कमाल की थी। क्योंकि उसके जो ये हैंडल बार्स हैं क्लिप ऑन ही थे, बट वो थोड़े और लो सेट थे, फुट पेग्स थोड़े और पीछे थे और तो और उसके साथ सस्पेंशन जो थी वो बहुत स्टिफ थी, जिस कारण यार हाई स्पीड में तो उसमें मज़ा आता था बहुत। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी थी, ब्रेकिंग काफ़ी ज़बरदस्त थी। ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है यार, इसकी ब्रेकिंग तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, उसकी ब्रेकिंग काफ़ी ज़बरदस्त थी। और बट यार वही था कि इतने बम्प्स में ना बहुत हाथ में दर्द, कमर में दर्द, ये बहुत होते थे जर्क्स में, क्योंकि स्टिफर सस्पेंशन थी और बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं था। सो यस, उस मामले में ये काफ़ी अच्छा है, आप कंफर्टेबल रहोगे लॉन्ग राइड्स पे भी और तो और सिटी में भी, जो जहाँ पे आपके इतने खूबसूरत रास्ते हैं उन रास्तों पे भी आप कंफर्टेबल रहोगे। आपको लगेगा कि आप घोड़े पे बैठे हो बट वो घोड़ा थोड़ा आराम से चल रहा है, बट उसमें तो यार बहुत ही पेनफुल था वो। सो जो लोग भी सोच रहे हैं RC 390 लेने का, थोड़े पैसे भी बच जाएंगे तो वो ले सकते हो यार, मतलब वो बाइक उतनी भी बुरी नहीं है। मैंने उसको सेल आउट इसलिए किया था क्योंकि मेरा पर्टिकुलर वेरिएंट में इंजन का बहुत इशू आ चुका था। मैं उसको लेके अराउंड मैथन जाने की तैयारी में था, तैयारी में क्या था, निकल चुका था। तो मैथन से पहले दुर्गापुर में मेरा बाइक का क्रैंकशाफ्ट टूट चुका और जिस कारण से बाइक मेरे को वहाँ से टो करके लाना पड़ा। मेरा एक दोस्त था, उसकी RC 200 थी, उससे मैंने बाइक को टो करके लाया था। उस वक्त ब्लॉगिंग वगैरह करता नहीं था मैं, तो बहुत भुगता हूँ यार मैं उस बाइक से। सो बट यार ऐसा नहीं है कि हर बाइक में प्रॉब्लम होगी, हर इंजन ख़राब है, वो शायद मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रही होगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर हो गया था मेरे को RC KTM से। बट उसके बाद भी कभी कूलेंट लीकेज तो कभी गैस्केट का जो इंजन का केसिंग रहता है, तीन पार्ट में रहता है, वो हर एक पार्ट के बीच में गैस्केट रहता है, तो वो गैस्केट कभी आप समझ पा रहे हो ना, इंजन एक बार खुल जाने के बाद वो हैंडमेड इंजन वैसे ही होते हैं, तो कभी गैस्केट से मोबिल लीक, कभी कूलेंट लीक, तो ऐसा ही लगा रहता था। तो मैंने फाइनली उसको सोचा कि लेट्स सेल इट आउट और कुछ पैसे लगा के मैंने निंजा 300 ले लिए। तो इस बाइक में यार कोई प्रॉब्लम है नहीं टचवुड, अभी तक काफ़ी रिफाइंड है। हाँ एक चीज़ तो है, उससे बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, डुअल सिलेंडर है। सो आपको रिफाइनमेंट भरपूर है इसमें, टॉप एंड पे इसका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, मतलब आप देख पा रहे हो ये तो मतलब 6-7 हज़ार RPM इसके लिए कुछ भी नहीं है। 6-7 हज़ार RPM के ऊपर जब ये जाती है तो मतलब थोड़ा सा भी थ्रॉटल आप अगर ट्विस्ट करते हो तो काफ़ी तगड़ा रिस्पॉन्स आता है, आपको पीछे ठेलती है।
जो कि उसमें नहीं था, उसको इनिशियली पावर बहुत ज़्यादा था, लेकिन 8-9 हज़ार आरपीएम के ऊपर वो पूरा फ्लैट हो जाता था, उसके बाद कुछ रहता नहीं था जूस इंजन में। हालांकि इससे पावर वो ज़्यादा था, बट आपको इस बाइक का मज़ा टॉप एंड में आएगा। फुल ऐश है भाई के, मस्त। यार ये देखो ट्रक के पीछे ये सरिया निकला हुआ, यार इनका मोटा चरार होना चाहिए, कसम से बता रहा हूँ मैं। ये इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है, ये दूर से दिखता बिल्कुल नहीं है, बट ये छोटी गाड़ियों में लंबे लंबे सरिये ले जाके ना लोग दूसरों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाते हैं। सो आप लोग बहुत इससे तो बहुत ही दूर रहो, सतर्क रहो बहुत ही। बट यार गवर्नमेंट या फिर ट्रैफिक पुलिस इनका कुछ भी नहीं करती यार, क्योंकि ये हर महीने पैसे देते हैं, बड़े बड़े माफियाज रहते हैं इसके पीछे, सो इनका कुछ कर नहीं सकता कोई भी, अपना लॉ एंड ऑर्डर तो वैसा ही है ना। सूर्यदेव निकलते हुए और हम आ चुके हैं विश्व बांग्ला गेट। आई होप आप देख पा रहे होंगे, क्लैरिटी कितनी है पता नहीं मेरे को, बट ऐसा है कुछ। और ये नया बना हुआ अंडरपास, और एक चीज़ बताऊं, ये रही मेरी इंजीनियरिंग कॉलेज। तीन साल बिताए मैंने यहाँ पे, तीन साल ऐसे मैंने डिप्लोमा किया था, फिर डिप्लोमा करने के बाद आपको लैटरल एंट्री मिल जाती है बीटेक में। सो यस आई एम एन इंजीनियर टर्न्ड, अभी भी इंजीनियरिंग हूँ यार। भाई चल ले, कंफ्यूज है ये बंदा, उसको समझ नहीं आ रही कैसे रहूँ कहाँ जाऊँ। अरे यार ये पोल्ट्री वाली गाड़ी, इसका स्मेल सुना यार बेहोशी छा जाती है मुझे। अब ये भाई साहब शायद चेक करेंगे मेरा नंबर वगैरह, नहीं किया यार, किसी और को रुकवाया है। वाओ कैमरा देख के लाइक शायद ये लोग ना इग्नोर मारे आते हैं, बट कोई ना अपना ही अच्छा है। चेक कर लिए होते यार, कंटेंट मिल गई होती है अपने को। यही करते ना यूट्यूबर्स। मजाक मजाक, डोंट टेक इट सीरियस गाइस। विश्व बांग्ला गेट का व्यू आपको यहाँ से मस्त आएगा। यार ये कब बन गया? ओ भाई साहब, पैसे हो तो क्या ना हो जाता है, रातों रात ये बिल्डिंग खड़ी होगी। जोकिंग गाइस, रातों रात नहीं हुई होगी ऑब्वियसली, बट मैंने देखा नहीं है। और ये रहा सुंदर सा विश्व बांग्ला गेट। वैसे इसके ऊपर जाके कुछ देखने और दिखाने लायक है नहीं, सो वो आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं इसके ऊपर जाऊं और आपको दिखाऊं। एक 10th फ्लोर बिल्डिंग, 7th फ्लोर बिल्डिंग से जैसे व्यू आती है वैसे ही व्यू आती है, कुछ खास है यहाँ पे है नहीं, तोप सा। बट ये एरिया बड़ा मस्त है यार, कसम से एरिया अच्छा है, काफ़ी
लोग यहाँ पे आते हैं चिल करने। सो ये रहा विश्व बांग्ला गेट। हम कहीं बाइक यहाँ खड़ा करके एक फोटो खींच लेते हैं। ऐसे देख लो यार। वैसे मैं इसके पहले जब ये नया बना था तो इस पे जा रखा हूँ। ऊपर में एक कैफ़े है जहाँ पे आपको नॉर्मल चाय कॉफ़ी ब्रेड्स एंड ऑल ये सब स्नैक्स टाइप के आइटम्स मिल जाते हैं। ये लिफ्ट है, यहाँ से आप चढ़ सकते हो। वो सीढ़ी आपको नहीं चढ़ना है, डोंट वरी। अगर आप आते हो तो वो टिकट काउंटर है वहाँ पे नीचे। सो वहाँ से आप टिकट्स लेके यहाँ पे जा सकते हो। कुछ टिकट का दाम मेरे को याद नहीं है यार, बट हाँ ठीक ठाक सा है। बहुत ज़्यादा ना महंगा है ना बहुत ज़्यादा सस्ता है, अच्छा है। सो फोटो मैं आगे जाके लूँगा, यहाँ से कुछ आने से रहा अच्छा व्यू। यहाँ से लेते हैं एक फोटो बाइक की। नो पार्किंग ऑन सर्विस रोड बट आई विल पार्क फॉर फ्यू सेकेंड्स। सो गाइस मैंने फ़ोटो खिंचवा ली। यहाँ पे कुछ साइकिल्स हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो जो मैंने खींची है और एक सज्जन जा रहे थे उनसे मैंने खिंचवाई है एक फ़ोटो, एक दो फ़ोटो। सो यस अब चलते हैं घर की ओर। की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। सामने में मेट्रो का एक स्टेशन है, उसके नीचे शेड में खड़ा होकर मैं गोप्रो को अंदर रख दूंगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ऑटोमोटिव कंटेंट्स का वेट करो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइज़।